ऐसे केसेस में जो सीरियस पेशेंट्स होते हैं उसमें अगर प्लाज्मा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए तो उनके देखने में आया है कि उनके बचने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ऐसा कुछ देशों में देखने को मिला। दिल्ली के हमारे कुछ डॉक्टर्स ने इसके ऊपर काफ़ी अध्ययन किया और इसका ट्रायल करने के लिए तैयारी शुरू की है। अच्छी बात यह है कि परसों हमने केंद्र सरकार से इसका ट्रायल करने के लिए परमिशन मांगी थी और परसों रात को हमें इसकी परमिशन केंद्र सरकार से मिल गई है और अब अगले 3-4 दिन के अंदर हमारे डॉक्टर्स इसका ट्रायल करेंगे और ट्रायल करके देखेंगे कि ये कितना सफल होता है। अगर ये इसमें सफलता मिलती है तो ये हमारे लिए एक अच्छी बात होगी, क्योंकि फिर हम सीरियस पेशेंट्स को की ज़िंदगी बचा पाएंगे। मौत होने से लोगों को वैसे एक तो मौत तो ज़िंदगी और मौत तो ऊपर वाले के हाथ में है, हम सब लोग कोशिश कर सकते हैं, लेकिन अभी ये अगर सक्सेसफुल होता है, सफल होता है तो फिर लोगों के चांसेस बच जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन अभी मैं साफ साफ कर दूं कि केवल ट्रायल स्टेज पे है और ये सफल होगा कि नहीं होगा ये अगले हमें 4-5 दिन के अंदर डॉक्टर्स जब ट्रायल करके देखेंगे तो पता चलेगा। ये टेक्नोलॉजी क्या है? इस टेक्नोलॉजी में जो व्यक्ति जिस व्यक्ति को कोरोना एक बारी हो जाता है वो जब ठीक होता है तो उसके शरीर में उसके खून में एंटीबॉडीज डेवलप हो जाते हैं। ये एंटीबॉडीज उसको ठीक होने में मदद करते हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो कोरोना से ठीक हो गया उससे वो अपने अपना रक्तदान करता है, उससे जैसे हम ब्लड डोनेशन करते हैं ऐसे ही ठीक हुए कोरोना के व्यक्ति से रक्त लिया जाता है, एक बोतल खून देता है वो, और उसमें से उसके खून में से प्लाज्मा निकाला जाता है और वो प्लाज्मा को एनरिच किया जाता है और उस एनरिच्ड प्लाज्मा को किसी दूसरे पेशेंट में इंजेक्ट कर दिया जाता है, उसके पेशेंट में डाल दूसरे पेशेंट में जो भी बीमार है उसमें डाल दिया जाता है। तो उसके नए पेशेंट में वो प्लाज्मा के एंटीबॉडीज चले जाते हैं और उसके अंदर ठीक होने वाले एंटीबॉडीज डेवलप हो जाते हैं। तो इस तरह से इसको ये टेक्नोलॉजी काम करती है। हम सब लोग प्रार्थना करते हैं कि हमारा ये ट्रायल सक्सेसफुल हो। अगर सक्सेसफुल होता है तो इससे एक उम्मीद बंधेगी और भी कुछ राज्य, जैसे मुझे पता चला है केरला महाराष्ट्र वगैरह इसके ऊपर काम कर रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि सबके सबके प्रयास इस बारे में सफल हों।